वेलकम टू द हाई प्रिस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे पाइसीज के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पर भी पाइसीज है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो ये हर एक पाइसीज को रेजोनेट नहीं करेगा। सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। सो लेट अस सी पाइसीज आपका नवंबर 15th से लेके नवंबर 30th 2020। फर्स्ट कार्ड है आपका टावर एंड उसके बाद है जजमेंट, स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी पाइसीज, एस ऑफ वॉन्स। पाइसीज आई फील आप ये जो भी टावर मोमेंट है आपके लाइफ में ये ऑलरेडी हो चुका है। दैट इज टू से आपने बहुत कुछ रियलाइज़ किया है। नाउ ये रियलाइजेशंस हो सकते हैं किसी एक इंसान के बारे में या किसी एक सिचुएशन के बारे में, किसी फ्रेंडशिप के बारे में, किसी करियर सिचुएशन, वर्क, फाइनेंस, जो भी है आपने कुछ रियलाइज़ किया है, जो आप मे बी जो आपके पास्ट से बिलोंग करता है या फिर जिसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो, जिस सिचुएशन में या पर्सन में आप काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड थे। बट ये जो भी रियलाइजेशन है, आई एम ऑल्सो हियरिंग कुछ सच है जो बाहर आया है, कुछ ट्रूथ्स है, चाहे वो ट्रूथ्स आपको डायरेक्टली उस पर्सन से सुनने को मिला हो या उस सिचुएशन के बारे में आपको पता चला हो या किसी ने आपको बताया, आपने सोशल मीडिया पे देखा, वट एवर इट इज़, आपने कुछ सुना है, आपने कुछ समझा है, आपने कुछ रियलाइज़ किया है यहाँ पे। एंड कुछ लोगों के लिए दिस वॉज समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, ये यूनिवर्सल गाइडेंस था, ये यूनिवर्स ने आपको दिखाया है, बिकॉज इट वॉज टाइम टू आई एम हियरिंग री राउट, दैट इज इट वॉज टाइम टू चेंज द डायरेक्शन। आप एक ऐसे डायरेक्शन को फॉलो कर रहे थे जो आपके लिए सही नहीं था, जो आपके लिए हार्मफुल था, चाहे ये जो भी सिचुएशन हो, ठीक है। आप डेफिनेटली कुछ ऐसे सिचुएशन को बहुत दिन से आप ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्ट कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे ऐसे सिचुएशन को जो आपके लिए सही नहीं था। सो द यूनिवर्स हैड टू इंटरवेन पाइसीज, द यूनिवर्स हैड टू इंटरवेन। कुछ लोगों के लिए अगर ये एक रिलेशनशिप से रिलेटेड है, आई फील आप एक ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्ट कर रहे थे जहाँ पे जो आपके लिए सही नहीं था, या फिर मे बी आप अभी भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाए हो स्कॉर्पियो, बट आपने कुछ डेफिनेटली रियलाइज़ किया है। मे बी पास्ट में आप जितना वल्नरेबल थे, पास्ट में आप जितना समझ पाते थे चीज़ों को, जैसे जिस नज़रिए से देखते हैं देखते थे पास्ट में, आपका वो नज़रिया बदल चुका है, बिकॉज आप बहुत कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो। आई फील कुछ लोगों के लिए ये एक एंडिंग हुआ था आपके लाइफ में, एंडिंग ऑफ अ सिचुएशन, टाइम, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, जो भी हो, ये यूनिवर्स की तरफ से इसलिए था बिकॉज यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाह रहा था। स्कॉर्पियो, सॉरी, व्हाई डिड आई से स्कॉर्पियो, पाइसीज, ये भी आपके चार्ट में स्कॉर्पियो है या डील कर रहे हो स्कॉर्पियो से, आई डोंट नो। सो यूनिवर्स आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था पाइसीज, बट आप वो चीज़ देख नहीं रहे थे, आप बिजी थे किसी और सिचुएशन में, किसी और जगह पे, किसी और जॉब में, किसी और रिलेशनशिप में। आप अपना जो असली 10 of cups है, आप उस चीज़ को मिस कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए ये आपका एक सोलमेट कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिसे आप देखकर भी नहीं देख रहे थे, जिसे आप देख नहीं पा रहे थे बिकॉज आपका ध्यान कहीं और था। मे बी आप जो हमेशा विश करते थे, आप उस सिचुएशन मे बी यूनिवर्स आपको देने वाला है या यूनिवर्स आपको देना चाहता है, बट जब तक
आप के लिए ये टावर फॉल नहीं करता, आप उस सिचुएशन को देख नहीं पाओगे पाइसीज। जब तक आप एक्शन नहीं लेते इस रियलाइजेशन के ऊपर, आप उस सिचुएशन को देख नहीं पाओगे। कुछ लोगों के लिए मे बी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व्ड है, मे बी आपने ट्रैवल किया है या आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, या आपने रियलाइज़ किया है कि आप किसी सिचुएशन से बाहर जाना चाहते हो, किसी फ्रेंडशिप से, किसी रिलेशनशिप से आप निकलना चाहते हो, आप निकल गए हो बिकॉज़ वो सिचुएशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था, या फिर वो सिचुएशन आपके लिए वर्कआउट नहीं किया। इवन दो आप बहुत कोशिश किए, इवन दो आप सोचे थे कि ये सिचुएशन आपको हैप्पीनेस दे सकता है, बट एक टाइम के बाद आप रियलाइज़ किए कि ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि पाइसीज, अगर आपको लगता है आपके साथ नाइंसाफी हुआ है, अगर आपको लगता है कि ये जो भी हुआ ये सही नहीं हुआ, क्यों ऐसा हुआ, आपके तरफ से तो आपने पूरा कोशिश किया, आपने सब कुछ किया है, पूरा एफर्ट दिया है सब, द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू से दैट ये जो भी था ये आपके लिए सही नहीं था। हर एक सवाल का आंसर इस वक्त आपको जानना ज़रूरी नहीं है। यूनिवर्स आपको हर एक सवाल का आंसर देगा। आपके मन में ये जो भी सवाल है आपको सारे जवाब मिलेंगे, बट एक साथ नहीं। बस इतना जानना कि ये जो भी सिचुएशन है ये आपके लिए अच्छा नहीं था, एंड इस सिचुएशन आपके लिए ये एक डिस्ट्रैक्शन था। ये पर्सन, ये फ्रेंडशिप, ये जॉब, ये फैमिली सिचुएशन, ये जो भी था ये एक डिस्ट्रैक्शन था आपके असली हैप्पीनेस से। आपका जो असली डेस्टिनेशन है, आपका जो असली डेस्टिनी है, दिस वॉज अ डिस्ट्रैक्शन। सो यूनिवर्स को बीच में आना पड़ा पाइसिस, आपको वो सच दिखाने के लिए, आपको वो रियलाइजेशन करवाने के लिए। एंड द यूनिवर्स इज़ विथ यू। यूनिवर्स आपको बोल रहा है टू टेक अ न्यू डायरेक्शन, एक नया डायरेक्शन लो, एक नया रास्ता लो। यूनिवर्स को पता है आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, आप क्या डिज़र्व करते हो, आप किस चीज़ के केपेबल हो, आप कितने स्ट्रांग हो, ये इस यूनिवर्स को पता है। एंड द यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू टू टेक अ डिफरेंट रूट, एक नया डायरेक्शन लो, एक नया रास्ता लो, आप अपने हैप्पीनेस तक पहुँच जाओगे। ओके कुछ लोग अपना नज़रिया बदलो, लेट्स सी। पाइसीज इन लव, एट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। पाइसीज इन लव, सो आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो एक्वेरियस एनर्जी पाइसीज, किसी सिचुएशन में, स्पेशली लव रिलेटेड सिचुएशन में। या आप इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, कुछ लोगों के लिए आप मूव ऑन करना चाहते हो, आप एक अपने हैप्पीनेस के तलाश में हो, क्योंकि आपने रियलाइज़ किया है ये जो भी सिचुएशन है या ये जो भी पर्सन है ये आपको वो हैप्पीनेस नहीं दे पाएगा, ये आपके वो आपके लिए वो 10 of Cups नहीं है, एंड यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस अनहैप्पी सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए आप मूव ऑन कर रहे हो अपने 10 of Cups की तरफ। सो द थिंग इज पाइसिस, यहाँ पे दो सिचुएशन है, आपका कौन सा है ये आप जानते हो, मैं इन दोनों को साथ में लूंगी। फॉर सम ऑफ यू, आप बहुत टाइम से, लाइक ये हर किसी के लिए है पाइसीज, आई थिंक कोई ऐसा सिचुएशन था आपके लव लाइफ में, कोई ऐसा सिचुएशन था या ऐसा कुछ हुआ था जिस कारण से आपको लगा दैट यू आर स्टक, आप अटक चुके हो, आप लाइक कितना भी कोशिश करो आप इस सिचुएशन को जाने नहीं दे सकते, या तो आप मूव ऑन नहीं कर सकते, या तो आप लेट गो नहीं कर सकते, या तो आप एक डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि ये जितना भी आप कोशिश करो कहीं ना कहीं आप खुश नहीं थे, कहीं ना कहीं लाइक ना आप इस सिचुएशन में खुश थे जैसे ये पर्सन आपको ट्रीट कर रहे थे, या जो हो रहा था इस सिचुएशन में, जो प्रॉब्लम्स थे, जो इश्यूज थे, ना आप उस सिचुएशन में खुश थे, ना आप इस पर्सन के बिना खुश थे। आपके बहुत सारे सपने थे इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके, बिकॉज़ कहीं ना कहीं जाके पाइसीज आपने ये सोचा था
कि ये आपका विश फुलफिलमेंट है, कि ये आपका डेस्टिनी है। बट अभी यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन बिकॉज आपने रियलाइज किया है कि ऐसा नहीं है। नाउ वेट, नाउ यहाँ पे दो सिचुएशन आता है। फर्स्ट, यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन, दिस कनेक्शन, और यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन। आप कोशिश कर रहे हो मूव ऑन करने की इस रिलेशनशिप, सिचुएशन, पर्सन, जो भी है, बिकॉज आप अपने लिए शांति चाहते हो, आप अपने लिए हैप्पीनेस चाहते हो। आपको ये समझ में आ गया है दैट दिस, ये जो 10 of Cups है, ये जो हैप्पीनेस है, ये जो खुशी है, ये जो स्टेबिलिटी है, वो आपको इस इंसान से नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं। आप मूव कर रहे हो अपने खुद के फ्यूचर के लिए, अपने डेस्टिनी के लिए, आप कुछ नया करने के लिए रेडी हो, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। बाकी लोगों के लिए पाइसीज, आई फील आप कोशिश कर रहे हो टू मूव ऑन, आप कोशिश कर रहे हो चीज़ें चेंज करने की, बट कहीं ना कहीं आप अभी भी बिलीव करते हो कि ये आपका सोलमेट है, कि ये आपका विश फुलफिलमेंट है, ये आपका लास्ट ऑप्शन है। अब इन दोनों सिचुएशन में से आपका कौन सा है, आई डोंट नो, हर किसी का डिफरेंट होगा। ओके, सो लव सिचुएशन, या यहाँ पे कुछ ज़रूर एंड हुआ है स्कॉर्पियो, एंड आप उस एंडिंग से निकल नहीं पा रहे हो। कुछ लोग कोशिश कर रहे हो, कुछ लोग ने हाल छोड़ दिया है। आपको लगता है ये जो भी एंडिंग हुआ है ये इतना दर्दनाक है, ये इतना प्रॉब्लमेटिक है दैट मैं इस सिचुएशन से निकल ही नहीं पाऊँगा या पाऊँगी। कुछ लोग के लिए ये एक मैरिज है जो एंड हुआ है, या फिर आप दोनों मैरिड हो, या आपके पर्सन मैरिड है किसी और से, उन्होंने किसी और को चूज़ किया है आपके अलावा। कुछ लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं। या फिर ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन था जो टूट गया है, एंड दैट इज़ द रीज़न आप ये अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन हियर आई बिलीव। टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, वाओ। सो पाइसिस, सी द यूनिवर्स इज एक्चुअली टेलिंग यू, लाइक आपको आई अंडरस्टैंड, आपको ऐसा लग रहा है या लग रहा था पास्ट में दैट ये जो भी एंडिंग है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लाइक आप, क्योंकि आप सोचे थे दैट दिस इज़ योर विश फुलफिलमेंट, दिस इज़ योर ड्रीम कम ट्रू रिलेशनशिप, ड्रीम कम ट्रू मैरिज। बहुत दिनों से मे भी आप इस पर्सन को जानते हो, इस पर्सन के साथ थे। कुछ लोगों के लिए पर्सन मैरिड है, या आप मैरिड हो, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, जो भी है सिचुएशन, डजेंट मैटर, हर किसी के लिए अलग अलग है। यूनिवर्स आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है पाइसिस दैट ये जो भी पास्ट सिचुएशन था, जो भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ योर हैप्पीनेस। क्योंकि आपका जो हैप्पीनेस है, आपका जो विश फुलफिलमेंट है, आपका जो ये 10 of Cups है, सी 10 of Cups, सन एंड द किंग ऑफ कप्स, इससे खुशी और कुछ नहीं हो सकता। दीज आर द हैप्पीएस्ट कार्ड्स आई फील। ये आपका कहीं और है पाइसिस, चाहे आप, आपको बुरा लग सकता है, आपको लग सकता है दिस इज़ लाइक नॉट हैपनिंग, आप ये रीडिंग छोड़ के जा सकते हो, इट्स योर विश। ये जनरल रीडिंग है, ये हर किसी के लिए नहीं है। सो फॉर अ लॉट ऑफ यू पाइसिस, आप मूव ऑन कर रहे हो, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है ये हजम करना, ये एक्सेप्ट करना ये सच को, बट फिर भी आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो, आप अपने स्टेबिलिटी को चूज़ करो, आप अपने ग्रोथ को चूज़ करो, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव। कुछ लोग अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना है। आपने जो सुना, आपने जो रियलाइज़ किया, क्या वो सच में है या बस आपका भ्रम है? क्या सच में ये ख़त्म हो चुका है? क्या सच में ये पर्सन कभी नहीं आएंगे? क्या सच में आपका आप इतना बड़ा गलती कर दिए, आप इतना बड़ा लाइक मे बी धोखा हुआ, या फिर आप ये लॉस कैसे सहोगे? देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन, ड्रामा, कन्फ्यूशन जब बात आती है आपकी इस रिलेशनशिप में। एंड कुछ लोग यू आर स्ट्रेट अप कि नो दिस इज़ नॉट वर्किंग, आपने जो सच सुनना था सुन लिया, आपको जो जानना था आपने जान लिया,
आपने रियलाइज़ कर लिया चाहे जैसे भी हो एंड आप उठ के जा रहे हो लाइक नो, आप और ये सब नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करोगे एंड यू आर लीविंग. आप इसलिए लीव कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपका 10 of cups कहीं और है, आपके लिए वेट कर रहा है. एंड आप बेसिकली अपने आप को चूज़ कर रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी को चूज़ कर रहे हो. एंड कुछ लोग अभी भी स्टक फील कर रहे हो, आपका एक पार्ट निकलना चाहता है इस सिचुएशन से, आपका दूसरा पार्ट श्योर नहीं है कि सच में निकलना चाहिए या नहीं, कन्फ्यूज्ड हो. गिव योर सेल्फ टाइम, कोई रश नहीं है. सी आपको क्या चाहिए. साइंस जो यहाँ पे है दैट इज़ लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, एक्वेरियस डोमिनेंट है, बाकी सारे हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ भी हो सकता है. ओके, लेट अस सी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं. पाइसिस, व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग पाइसिस. Four of Wands, Three of Wands, so Aries, Leo, Sag energy. Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Three of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio. The World. Okay, let's take all. Four of Pentacles. Five of Cups, Five of Swords, King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius भी है, सारे साइंस हैं यहाँ पे. ओके, सो what इज योर पर्सन फीलिंग Pisces? Virgo, Ten of Swords. What is your person feeling, Pisces? Nine of Swords, Knight of Wands, and the Page of Cups. बहुत सारे लोगों के लिए this was a third party situation. Again, हर किसी के लिए मैंने नहीं कहा, बहुत सारे लोगों के लिए I said. सो हो सकता है आप उस बहुत सारे लोगों में से नहीं हो, डोंट वरी. जिन लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन था, लेट मी क्लियर दैट आउट. ये पर्सन बेसिकली अपने स्टेबिलिटी को कहीं और चूज़ किए, ये किसी और से कमिटेड हो गए, या फिर ये किसी और से शादी कर लिए, या फिर ये ऑलरेडी कमिटेड थे, ऑलरेडी शादीशुदा थे. कुछ लोगों के लिए इन्होंने ये छुपाया, कुछ लोगों के लिए इनका जो कमिटमेंट है कहीं और, इस पर्सन से, इस कमिटमेंट से आपका पूरा रिलेशनशिप छुपा हुआ है. सिंपली दिस पर्सन इज अ प्लेयर फॉर सम ऑफ यू. ठीक है, ये पर्सन स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे आपको. नाउ अगर आपका सिचुएशन थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन नहीं है, लेट्स से आई एम सेइंग दिस पर्सन, ये बहुत अपने स्टेबिलिटी पे फोकस्ड है. आई डोंट रियली फील ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल है इस वक्त, या इमोशनली कुछ फील लाइक इमोशनली ओपन नहीं है ये पर्सन. ये पर्सन अपने स्टेबिलिटी पे फोकस्ड है, मे बी अपने फैमिली लाइफ में, अपने करियर में, ये जो भी करते हैं. मे बी इनको ट्रैवलिंग पसंद है, सो ये ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर वॉट एवर दैट मीन्स. फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन एक नया शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, पास्ट को भुला के. ये इमोशनली बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है इनका इस वक्त. दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ, सो आई डोंट रियली फील कि इस पर्सन से आपका कोई भी बात हो रहा है, या
किसी भी टाइप ऑफ कांटेक्ट है बहुत लोगों के लिए, अगर है भी आई थिंक ये पर्सन ऐसा दिखा रहे हैं दैट दिस पर्सन इज़, ये पर्सन आपको कोई भी इमोशन फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं, दिस पर्सन इज़ लाइक नॉट अवेलेबल, क्लोज्ड ऑफ. इवन दो दिस पर्सन इज़ जगलिंग समथिंग, या ये पर्सन जगल कर रहे थे सिचुएशन को, आपको या किसी और पर्सन को, आपको या किसी और सिचुएशन को ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, बेसिकली अपने लाइफ में भी बैलेंस ढूंढ रहे हैं. लाइक आपके सिचुएशन का एंडिंग होने के बाद ये पर्सन बेसिकली अपने ऊपर सारा फोकस लाते हैं, यू नो, ला रहे हैं इस वक्त अपने ऊपर, या फिर अगर ये ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है देन अपने सेकेंड सिचुएशन के ऊपर, लाइक अपने कनेक्शन के ऊपर, अपने रिलेशनशिप मैरिज के ऊपर. बेसिकली ये पर्सन अभी इस वक्त होपलेस है कि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन हो सकता है. इस पर्सन को लगता है दैट दिस इज़ परमानेंट, दिस हैज़ ऑलरेडी एंडेड. ये पर्सन, आई एम नॉट सीइंग दिस पर्सन इज़ हैप्पी और समथिंग, ये पर्सन अभी भी थोड़ा बहुत हर्ट है, लाइक थोड़ा बहुत पेन में है सिचुएशन को लेके, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपलेस है. इस पर्सन को लगता है कि आप कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे इस पर्सन को, मे बी कुछ सच बाहर आया है, मे बी आपको कुछ पता चला है. सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी होपलेस दैट इस सिचुएशन में कुछ हो सकता है आगे जाके. ओके, फॉर अ लॉट ऑफ यू ये पर्सन मे बी ट्रैवल कर रहे हैं, या ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था. इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ भी है, या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, समबडी हियर हैव ट्रस्ट इश्यूज़ आई फील. वट एवर द सिचुएशन, इस वक्त ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, चाहे ये पर्सन प्लेयर थे या फिर ये पर्सन प्लेयर नहीं थे, आई डोंट रियली सी दैट, बट आई डोंट नो, लाइक ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी इस वक्त नहीं दे सकते. दिस इज़ अ वेरी इन एंड आउट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. ये पर्सन को लगता है दैट देर विल बी नो रिकन्सिलिएशन बिकॉज दिस पर्सन इज़ हर्ट. ये पर्सन इस वक्त हर्ट है, इस पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी में है, एक नेगेटिव माइंडसेट में है. ये पर्सन अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी को ढूंढना चाह रहे हैं, अपने लाइफ में एक नया बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं. आई डोंट रियली फील कि ये पर्सन खुश है आपके बिना, बट ये पर्सन डेफिनेटली होपलेस है इस सिचुएशन को लेके कि आगे जाके कुछ फिर से हो सकता है या नहीं इस वक्त, टेम्पररीली, आई एम नॉट सेइंग परमानेंटली, टेम्पररीली. ये पर्सन डेफिनेटली रिग्रेट करते हैं पास्ट में जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, या वट एवर द सिचुएशन वॉज. इस पर्सन के मन में डेफिनेटली रिग्रेट्स हैं, मे बी ये पर्सन सॉरी कहना चाहते हैं किसी किसी के लिए. ये पर्सन रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या सिचुएशन क्यों ऐसा हुआ. उनको लगता है मे बी सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं था. या फिर किसी किसी के लिए ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, इनको लगता है आपने इनका वेट नहीं किया. आई डोंट नो, दिस वॉज वेरी स्पेसिफिक. ओके, सो लेट्स सी. लेट्स सी उनके नेक्स्ट एक्शन, अगर वो कोई एक्शन लेते हैं या नहीं. फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन पाइसेस, फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन. वाओ, टू ऑफ कप्स, द स्टार एंड द सिक्स ऑफ Swords. Wheel of Fortune, Seven of Cups. Two of Pentacles. Another card. Oh. Bottom deck energy is the Eight of Cups energy. So, I feel Pisces, ये person, क्या ये person action लेंगे या नहीं? What I'm really feeling is ये person action लेंगे, yes. बट द थिंग इज़, ये पर्सन, अगर इस पर्सन का जो मेन प्रॉब्लम था वो सेम रहेगा बहुत सारे लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा ये पर्सन मे बी जगल कर रहे थे, या ये पर्सन एक प्लेयर काइंड ऑफ अ पर्सन है, या आपको जो भी सच पता चला है इस पर्सन के बारे में,
आई थिंक वो चीज़ सेम रहेगी, बट ये पर्सन एक ट्राई करेंगे फ्यूचर में टू लाइक आपके साथ कुछ करने का, लाइक अ न्यू बिगिनिंग रिलेशनशिप समथिंग. बट आई फील पाइसीज दैट विद द व्हील ऑफ फॉर्चून यूनिवर्स इज़ लुकिंग ओवर द सिचुएशन. यूनिवर्स इज़ लुकिंग एट यू, या आप यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि आपका ऑप्शन है. बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट द सोलमेट. आई एम सॉरी, दिस पर्सन इज़ नॉट द सोलमेट जस्ट बिकॉज आई हैव दिस फाइव ऑफ पेंटिकल्स विद द किंग ऑफ कप्स. सो दिस इज़ समबडी. ये जो भी पर्सन है, ये एक ऐसे पर्सन है जो अपने इमोशंस से भागते हैं, जो अपने इमोशंस को वैल्यू नहीं देते. जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये पर्सन भाग जाते हैं. ये पर्सन कुछ बहाना मार लेते हैं. ये पर्सन आप पे इल्ज़ाम डाल देते हैं, सारा दोष आप पे डाल देते हैं कि आपके लिए ये हुआ, आपके लिए वो हुआ, आपने ऐसा कहा इसलिए हुआ. ये पर्सन अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, इमोशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर रही हूँ मैं. सो यस, दिस पर्सन विल रीच आउट. ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, मैसेज या समथिंग. बट यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है, ये आपका फ्री विल है. हर किसी का फ्री विल होता है. क्या आप इस पर्सन को चांस दोगे या नहीं? अगर आप चांस देते हो, आप दे के देख सकते हो, इट्स योर विश. अगर आप नहीं देते हो, अगर आप चूज़ करते हो टू वॉक अवे, आई थिंक आपका सोलमेट आपका वेट कर रहा है. सो द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो दैट इट इज़ अप टू यू. आप क्या करना चाहते हो? पाइसिस. सो लेट्स सी योर करियर, फाइनेंसेस, करियर एंड फाइनेंसेस. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. आप किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, या आफ्टर अ टाइम ऑफ सैडनेस और नो एक्शन. लेट मी सी. आपके करियर में या आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में, जॉब में, जो भी है ये, बहुत टाइम से आपको लग रहा था कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है. बहुत टाइम से आप फील कर रहे थे कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, आप आगे नहीं जा पा रहे हो. मे बी कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम है, आप पास नहीं हो पा रहे हो. कोई पर्टिकुलर जॉब है, आपको मिल नहीं रहा है. या फिर आई विल नॉट टेक दिस. या फिर क्या बोल रही थी मैं, या लाइक आप कुछ कोशिश कर रहे हो, या फिर आप अप्लाई कर रहे हो, आपको वो नहीं हो रहा है, आपके लाइफ में नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज नहीं कर रहा है. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ अनहैप्पी सिचुएशन पाइसेस. आपको लग रहा था आप स्टक हो, आपको लग रहा था सब रुक गया है, सब थम गया है. मे बी सबके लाइफ में डेवलपमेंट हो रहा है आपको छोड़ के, सब प्रॉफिट्स देख पा रहे हैं आपको छोड़ के, कुछ लोगों के लिए ये आपका सिचुएशन था. यहाँ पे एक किसी एक टाइप का इम्बैलेंस था. बट द सिचुएशन इज इम्प्रूविंग पाइसिस. द सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो भी इम्बैलेंस था, आई थिंक आपको नए ऑफर्स आएंगे, या फिर आप एक नया डायरेक्शन देख पाओगे. मे बी कुछ लोगों के लिए आपको हेल्प मिल सकता है किसी स्पेसिफिक इंसान से, मे बी अ हस्बैंड और अ वाइफ, अ स्पाउस, और कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है. अगर हेल्प नहीं, देन आई फील वो पर्सन आपको मे बी एडवाइस दे सकता है, या समथिंग फॉर सम ऑफ यू.
बट ये जो भी है आई सी बैलेंस कमिंग इन फॉर यू, कुछ एक टाइप का बैलेंस, कुछ एक टाइप का अंडरस्टैंडिंग, कुछ एक टाइप का डिरेक्शन आपको मिल रहा है। इतने दिन से मे बी आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आपका एक बिजनेस है बट आप सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था आप कैसे इस बिज़नेस को ग्रो करें, आप कैसे कुछ नया इंट्रोड्यूस करें, आई थिंक आप वो कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे किसी एक सिचुएशन को छोड़ रहे हो जो आपके लिए लाइक फ्रूटफुल नहीं था, आपको लग रहा था उस सिचुएशन से आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, या फिर उस सिचुएशन से लाइक आप अगर कहीं इन्वेस्ट किए थे, मे बी आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो उस पैसे को लेके, बिकॉज़ आपको लगा कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहा है पास्ट अपॉर्चुनिटीज़ से, आपने जो पास्ट में किया था उसमें अगर आपको लगा कि इसमें ग्रोथ नहीं है, इसमें प्रॉपर रिटर्न नहीं है, आप उस सिचुएशन को कहीं और जाके इन्वेस्ट करो ताकि आपको बेटर रिटर्न्स मिले। ओके, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ एग्ज़ाम दे रहे थे, आपको लगा ये एग्ज़ाम आपके लिए सही नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, आपको लगा ये जॉब आपके लिए सही नहीं है, आप बहुत बार अप्लाई किए बट नहीं हो रहा है, सो देयर इज समथिंग बैड और यू नो ऑफ अबाउट द सिचुएशन, आपको लगा कि कहीं और नया ओपनिंग आया है, कहीं और एप्लीकेशंस लिया जा रहा है, आपको मे बी ये न्यूज़ मिले, आप मे बी ये देखो एंड देन आप वहाँ जाके अप्लाई करो एंड यू आर गेटिंग द जॉब, सो दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। सो द मैसेज इज़ कि आपका जो भी एम्बिशन है उसको कम मत होने दो या उसको सैक्रिफाइस मत करो जस्ट बिकॉज कुछ पर्टिकुलरली आपके लिए काम नहीं कर रहा है इस वक्त। मे बी इस वक्त काम नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कभी काम नहीं करेगा, इस वक्त नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं होगा, या आप डिज़र्विंग नहीं हो, नहीं। कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, चाहे जितना भी आपको लगे कि मोटिवेशन नहीं है लाइफ में, कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, कुछ बेटर नहीं हो रहा है, कीप ऑन मूविंग पाइसिस, कीप ऑन मूविंग। एक बार नहीं हुआ दोबारा ट्राई करो, कुछ नया करने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग आई थिंक आप पास्ट सिचुएशंस को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या पास्ट सिचुएशन को लेके आप बहुत ज़्यादा अभी भी डिप्रेस्ड हो या एंग्शियस हो कि मैंने इतना टाइम स्पेंड किया है, मैंने इतना पैसा स्पेंड किया है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, या फिर इस जॉब को पाने के लिए, इस करियर को पाने के लिए, इस बिज़नेस को प्रॉफिट में लाने के लिए, बट कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सो जितना बार आप खुद को ये बोलते रहोगे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ होगा भी नहीं। स्टार्ट अ फ्रेश, एक नए सिरे से शुरुआत करो, चाहे वो सेम चीज़ आप शुरू कर रहे हो या कुछ नया चीज़ आप शुरू कर रहे हो, डू इट। आप खुद अपना मोटिवेशन हो, आपको मोटिवेशन किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंच पाओगे अगर आप कोशिश करोगे तो, बट अगर आप हाल छोड़ दोगे यू विल नेवर रीच इट। क्योंकि आई फील यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन है आपके लाइफ में इस वक्त, जब बात आती है आपके करियर पे, आपके फाइनेंसेस पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन है, बहुत ज़्यादा स्टंटेड ग्रोथ एनर्जीज है। आई डोंट नो ये बाहर से आ रहा है, कोई आपको कह रहा है, या फिर ये आपके खुद के मन से आ रहा है, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टंटेड ग्रोथ एनर्जीज। ओवर थिंक कर रहे हो सिचुएशंस को, डीमोटिवेट हो रहे हो सिचुएशंस में, आई फील ऑफर आएगा। आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, या जिसका जिसके लिए आप इतना सपना देखते हो, वो आपका ड्रीम जॉब, वो आपका जितना प्रॉफिट आप सोचते हो, जितना प्रॉफिट आप करना चाहते हो, वो सब होगा विथ टाइम, अगर आप पेशेंस दोगे, अगर आप हार्डवर्क दोगे, अगर आप कोशिश करते रहोगे, चाहे जितना भी डीमोटिवेटिंग हो सिचुएशन, चाहे जितना भी इरिटेटिंग हो, फ्रस्ट्रेटिंग हो, अगर आप डिटरमाइंड रहोगे, अगर आप प्रॉपरली हार्डवर्क दोगे, प्रॉपरली डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहोगे, चाहे जितना भी धीरे धीरे क्यों ना हो, आगे बढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको दौड़ के जाना पड़ेगा, आपको इतने दिनों के अंदर करना पड़ेगा, क्यों नहीं हो रहा है, यू नो डोंट क्वेश्चन सो मच। अगर आप करना चाहते हो धीरे धीरे ही सही, बट कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग। अगर आपको इस वक्त रिजल्ट्स नहीं भी दिख रहे हैं पाइसीज, इट डजंट मीन कि कभी नहीं दिखेगा।
जरूरी नहीं है हर एक कदम के साथ आपको कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट दिखे, बहुत बड़ा अचीवमेंट हो, हमेशा वो नहीं होता है ना, एंड इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड स्कॉर्पियो। वेट, पाइसिस। व्हाई एम आई सेइंग स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। लेट्स सी जनरल मैसेजेस। वाओ, नाइट ऑफ कप्स एंड द सेवन ऑफ सोर्ड्स। Knight of Wands, Pisces. Ten of Wands. Four of Wands. बहुत सारे Wands energy है, fire energy, air energy, fool. Empress, wow, Ace of Pentacles, Eight of Swords, Page of Swords, I'm hearing speak your truth, Pisces, speak your truth. आई डोंट नो ये किसके लिए है, या अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो कोई यहाँ पे। स्पीक योर ट्रूथ इज द मैसेज फॉर यू। ओके, एनीवेज, लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइसेस, आई सी अ लॉट ऑफ ऑफर्स कमिंग इन, चाहे ये रोमांटिक ऑफर्स हो, चाहे ये फिनेंशियल ऑफर्स हो, बिजनेस ऑफर्स हो, करियर ऑफर्स हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, वॉट एवर दिस इज़, बहुत सारे ऑफर्स, बहुत कुछ आ रहा है। ऑफर नहीं तो लोग, आप या तो नए फ्रेंड्स बना रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, मे बी लोग आपको प्रपोजल्स दे रहे हैं, जॉब ऑफर्स दे रहे हैं, तो जो भी है बहुत कुछ आप देख पाओगे, एक्सपीरियंस कर रहे हो नया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैं कह रही थी, फॉर सम ऑफ यू पाइसिस, देर इज़ अ सोलमेट एनर्जी वेटिंग फॉर यू, समबडी जो आपके लाइफ में आना चाहता है। देर इज़ दिस एनर्जी आई कैन फील जो आने की कोशिश कर रहा है या आने वाला है। हु इज़ अ सोलमेट, जो इज़ डिवाइनली गाइडेड, दिस पर्सन इज़ डिवाइनली गाइडेड। ये एक नया पर्सन है फॉर श्योर, एंड ये जो भी पर्सन है, दिस इज़ समबडी जो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है इमोशनली। ये एक ऐसा पर्सन नहीं है जो कन्फ्यूज्ड है, ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, या फिर जो श्योर नहीं है अपने फीलिंग्स के बारे में, या जो झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं चीज़ें। आई डोंट रियली फील दैट। आई थिंक ये एक सोलमेट काइंड ऑफ अ पर्सन है जो बहुत ज़्यादा काम है, अंडरस्टैंडिंग है, एंड बहुत ज़्यादा मैच्योर है। बट द प्रॉब्लम इज, कुछ लोग यहाँ पे, यू आर स्टक ऑन समबडी हु इज़ नॉट राइट फॉर यू, यू आर स्टक ऑन अ प्लेयर, और यू आर स्टक ऑन समबडी जो आपको ये सारी चीज़ें नहीं दे सकते, कोई ऐसा जो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, जो आपको रेस्पेक्ट में भी वैल्यू नहीं दे सकते, जो आपको प्रॉपरली, जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। चाहे ये इंसान एक प्लेयर हो, चाहे ये इंसान एक नॉर्मल इंसान हो, चाहे ये इंसान जानबूझ के कर रहे हो या बिना जानबूझ के हर्ट कर रहे हो आपको। यू आर स्टक ऑन समबडी, समथिंग, सम सिचुएशन एल्सवेयर। आप इस पर्सन को देख नहीं पा रहे हो, आप इस सोलमेट एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे हो, फॉर सम ऑफ यू। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो अपने फाइनेंसिस को लेके, या फिर अपने हेल्थ को लेके, या अपने वॉइस को लेके। दैट इज़ व्हाई मे बी आई वाज हियरिंग कि स्पीक योर ट्रूथ। मे बी कुछ आप बोलना चाहते हो बट लोग सुनने के लिए राज़ी नहीं है, या फिर लोग उस सिचुएशन को
आप जैसे बोलना चाहते हो उस सेंस में नहीं लेते हैं, किसी और कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं, या आप डर रहे हो कुछ बोलने के लिए, कुछ खुलासा करने के लिए, या फिर अपने बारे में आपने कुछ डिसीजन लिया है जो आप मे बी अपने फैमिली को बोलना चाहते हो, कोई लाइक नॉट एवरीबडी, सम ऑफ यू पाइसिस, आपके लिए ये एक बर्डन बन रहा है, आपके लिए एक डर बन रहा है, बट आई डोंट रियली सी कि आपको डरने की कोई बात है, बिकॉज आई सी स्टेबिलिटी कमिंग इन फॉर यू, लाइक बिग टाइम स्टेबिलिटी, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, 10 of Pentacles एंड द एम्प्रेस, यू आर कमिंग इन टू योर पावर। ये जो भी एनर्जी था, आप चेंज हो रहे हो पाइसिस, आप फाइनली अपने पावर में आ रहे हो, आप फाइनली अपने हैप्पीनेस, अपना वैल्यू, अपना रेस्पेक्ट, अपना ड्रीम, अपना पैशन फॉलो कर रहे हो। मे बी पास्ट में लोग आपको मैनिपुलेट करते थे, लोग आपको बहुत इमोशनली टॉर्चर करते थे, इमोशनली यूज़ करते थे, बट फाइनली यू आर स्पीकिंग योर ट्रूथ। हाँ, आपके लिए ये डिफ़िकल्ट होगा टू कम विद अ आंसर, बिकॉज आई फील यहाँ पे बहुत लोग हैं जो आप खुद के लिए कभी स्टैंड नहीं लेते हो, आप हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचते हो कि अगर मैंने ये किया तो उसको कैसा लगेगा, वो क्या सोचेगी, वो क्या सोचेंगे, एंड दिस इज़ द टाइम टू स्टॉप दैट। लोगों का हेल्प करना बुरा नहीं है, बट लोग अगर आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, या फिर लोग अगर आपको वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं जितना आप उस पर्सन को दे रहे हो, चाहे ये आपका पेरेंट हो, चाहे ये आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे ये फ्रेंड हो, रिलेशनशिप हो, ये मैरिज हो, जो भी हो, ये अगर ये पर्सन आप जितना रेस्पेक्ट वैल्यू दे रहे हो किसी को, अगर वो पर्सन आपको सेम रेस्पेक्ट वैल्यू नहीं दे रहे हैं, देन पाइसिस इट इज़ टाइम कि आप आवाज़ उठाए बिना डरे, अगर आप गलत नहीं हो तो, अगर आपने सच में किसी कोई गलती नहीं किया है तो, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो लाइफ में तो, डोंट गेट डोमिनेटेड दूसरे लोगों से बेमतलब का। अगर आपको लगे कि सिचुएशन में गलत हो रहा है, इस सिचुएशन में आपके साथ नाइंसाफी हो रहा है, आवाज़ उठाओ, बिकॉज यू आर कमिंग टू योर पावर, यू आर कमिंग इन टू योर पावर पाइसिस, दिस इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी। आप चेंज हो रहे हो, ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो इन टू समबडी हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, एंड जो जिसको पता है कि उसको क्या चाहिए, एंड जो लड़ने के लिए तैयार है। This is very, very, very nice energy. Financial abundance, I see happening. बहुत सारे लोग, you are getting married. Marriage proposals आ रहे हैं, and कुछ लोग यहाँ पे आपका शादी में भी फिक्स हो रहा है, मे बी शादी हो भी रहा है. But whatever, ये जो भी energy है that you feel कि आप stuck हो इस situation में, ये आपका mental health हो सकता है, ये आपका relationship हो सकता है, friendship, family situation, आप मे बी डिप्रेशन गो थ्रू कर रहे हो, जो भी ये सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आई थिंक आप इस सिचुएशन से निकल सकते हो, इवन दो इस वक्त मे बी आप सोच रहे हो कि ये इम्पॉसिबल है, बट आई सी यू डूइंग इट विथ टाइम। ओके, सो लेट्स सी guidance for my Pisces. Sacred journey. See, as I said, कि आप एक journey में हो, maybe कोई लोग यहाँ पे अपने soulmate को ढूंढने की journey में हो, या फिर in general आप एक transformational journey में हो, आप transform हो रहे हो Pisces. Walk your truth. I told you, मुझे सुनाई दिया, like speak your truth, and it says walk your truth, do it. ये जो भी है आपके लिए, please Pisces, surrender, amazing choices. Bottom deck है आपका, awaken. Yeah, see, I told you, मैंने कहा था आपसे, you have the choice कि आप कौन सा direction choose करोगे, कौन सा इंसान choose करोगे, कौन सा path choose करोगे Pisces, ये आपका चॉइस है।
यूनिवर्स आपको गाइड कर सकता है, यूनिवर्स आपके लिए डिसीशंस नहीं ले सकता, इट्स योर चॉइस। सरेंडर, ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी एनर्जी है आपका एट ऑफ सोर्ड्स वाला, सरेंडर करो, बिकॉज ये आपका ग्रोथ को रोक रहा है, ये आपको रोक रहा है। पाइसिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वॉक योर ट्रूथ, यू नो, फाइट फॉर व्हाट यू बिलीव इन, फाइट। ये जो भी है, जो भी ये नाइंसाफी है, जो भी ये है आपके साथ, जो भी आपको झेलना पड़ रहा है, फाइट फॉर इट। अगर आपको पता है आपके साथ गलत हो रहा है, प्रोटेस्ट करो। एंड विद दिस सेक्रेट जर्नी, आई फील यू आर इन अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। कुछ लोग अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हो, सोलमेट से मिल रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज। आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो, हेल्प किया हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो तो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर एंड बाय।